So what is ego and how do we keep from it? जैसे कह रहे हो ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उत्तर जानना है, तो ये जो लगातार मैं की भावना है इसको ईगो कहते हैं। ईगो का अर्थ होता है आई, मैं। दिन रात जिसकी बात करते रहते हो वो ईगो है, जो पूछे वो ईगो, जो सुने वो ईगो, जो स्वीकार करे वो ईगो, जो अस्वीकार करे वो ईगो। आई वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम आई, तो देखो तो क्या पूछ रहे हो। हाउ कैन आई बी फ्री फ्रॉम ईगो, और ईगो माने, सो हाउ कैन आई बी फ्री फ्रॉम, फ्रीडम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। देख लो कि यूं ही मूर्खता चलती रहती है, फिर उसको गंभीरता से नहीं लेते। यही फ्रीडम है। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी जाके चिपक जाते हैं। जैसे जैसे अपनी हरकतों का, अपने इरादों का पता लगता जाता है, वैसे वैसे अपने प्रति आसक्ति खुद ही छूटती जाती है। बोलिए। कई बार वो जो पाथ होता है उसमें हम वॉक करते हैं वो चैलेंजिंग होने लगता है, अल्टीमेटली वी जस्ट लूज इंटरेस्ट इन द मेन गोल, उससे फिर सोचते चलो लेट्स हैव एन अल्टरनेटिव गोल। तो इसी में जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन होता है उस पर गिवन ना करे एंड टू अंडरस्टैंड कि जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो लॉन्ग टर्म पाथ ही मिलेगा, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है अंदर उसको इंकलकेट कैसे अपने अंदर वो कर ले कि कंट्रोल कर ले कि वो एक सर मार सकते हैं। डिसिप्लिन शब्द का अर्थ समझते हो, डिसाइपल होना, शिष्य होना। सच्चाई का चेला हूं इसको डिसिप्लिन कहते हैं, अपने गोल्स का चेला हूं इसको थोड़ी डिसिप्लिन कहते हैं। अपने ही मंसूबों का चेला हूं ये थोड़े ही अनुशासन कहलाता है। सच्चाई के पीछे पीछे चलता हूं ये डिसिप्लिन है, और सच्चाई के अलावा अपने ही मंसूबों के पीछे पीछे भागा जा रहा हूं ये तो श्रृंखलता है, उद्दंडता है, और इसीलिए हो नहीं पाती। बड़ी कोशिश करते हो कि इरादे बनाऊं, लक्ष्य बनाऊं, और फिर उनको उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाऊं, वो होता ही नहीं, बीच में नींद आ जाती है। नहीं हो पाएगा। असंभव मत मांगा करो, जहां पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि वो जगह है ही नहीं, वहां जाने के लिए कौन सा अनुशासन तुम्हारे काम आएगा। एक ही अनुशासन होता है, आत्म अनुशासन। दिल की सुनता हूं, दिल की छाया हूं, दिल के पीछे पीछे चलता हूं। अनुशासन वो जो तुम्हारे ढर्रों को तोड़ दे, इसीलिए अनुशासन में तकलीफ होती है। डिसिप्लिन बुरा लगता है ना,
क्योंकि तुम्हारे ढर्रे तोड़ता है, और तुम ढर्रों की प्राप्ति के लिए अनुशासन रखना चाहते हो, ढर्रों को और पुख्ता करने के लिए अनुशासन रखना चाहते हो। एक जिंदगी है, कितना लॉन्ग टर्म गोल बनाने वाले हो भाई? इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। कम बौद्धिक क्षमता और बहुत ज्यादा लालच वाले कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स ये सारी बात करते हैं, उनके दो लक्षण होते हैं, पहला अकल कम होती है और लालच ज्यादा, और मुंह उनका बहुत चलता है। कम अकल, लालच ज्यादा और मुंह खूब चलेगा तो दुनिया भर को ज्ञान बांटेंगे, बताएंगे गोल सेटिंग ऐसे करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और तुम कहते हो वाह गुरुजी वाह। वो मूढ़मती है, उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसकी आंखों का सूनापन देखो। उसकी बड़ी गाड़ी ही मत देखो, उसकी बड़ी बीमारी भी देखो। न प्रेम के बारे में, न आनंद के बारे में, न मुक्ति के बारे में, न सच्चाई के बारे में, देखो किस बारे में पूछ रहे हो। मेरे लॉन्ग टर्म गोल कर लो हासिल, क्या पा जाओगे? क्या मिल जाएगा? यहां बहुत बैठे होंगे जिन्हें उनके लक्ष्य मिल गए, धोखा किसी को भी हो सकता है, और यहां बहुत बैठे होंगे जिन्हें उनके लक्ष्य नहीं मिले, दोनों सच्चाई के सामने ही तो बैठे हो ना, नतमस्तक। गोल हासिल करके भी आसमान पे थोड़े ही चढ़ जाओगे, शिष्यत्व तो सीखो, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलिए। फ्री विल का यही अर्थ होता है कि फ्रीडम की तरफ जा रहे हो या गुलामी चुन रहे हो, वो अख्तियार तुम्हें हमेशा होता है। उसके अलावा बाकी जितने चुनाव करते हो उनमें कोई फ्री विल नहीं होती, वो सिर्फ संस्कारित व्यवहार है। पर किसी भी समय तुम्हारी कितनी भी खराब से खराब हालत हो,
किसी भी समय तुम्हारे पास ये विकल्प रहता है कि तुम ध्यान में उतर जाओ, कि तुम सच्चाई को चुनो, कि तुम झूठ का पक्ष न लो। ये वास्तविक फ्री विल है और ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मुक्ति स्वभाव है तुम्हारा, फिर कोई कैसे कह सकता है कि फ्री विल झूठ है? अपनी क्षमता में यकीन रखो। तुम्हारे पुराने कर्मों का होगा बहुत बड़ा बोझ, लेकिन फिर भी इसी क्षण तुम फैसला कर सकते हो कि मुझे उस बोझ के तले नहीं दबे रहना। वो फैसला करने से वो बोझ त्वरित हट नहीं जाएगा, लेकिन फैसला तुम कर सकते हो। और फैसले में जितनी आग होगी, जितनी जान होगी, तुम्हारे कर्म फलों का बोझ उतनी जल्दी जल जाएगा, मिटेगा। तो अतीत का गुलाम होकर जीना कोई अनिवार्यता नहीं है। कर्म फल के सिद्धांत का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। आदमी अपनी घटिया मैली कुचैली बीमार हालत के पक्ष में खड़ा हो जाता है। आदमी कहता है मैं क्या करूं, ये तो पूर्व जन्मों का फल है, मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं, कोई भी कैसा भी नहीं है, पूर्व समय का पूर्व जन्मों का फल होगा, वो बात ठीक है, लेकिन तुम उससे आजाद हो सकते हो तत्क्षण, ये बात भी उतनी ही ठीक है, बल्कि ज्यादा ठीक है। तो अपने आप को मजबूर मत अनुभव करो कि अतीत में ऐसा ऐसा करा था, अब तो बंधन पक्का हो गया है ना। हां चाहिए, चाह चाहिए, चुनाव चाहिए। वारी